पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां हरिद्वार में उनके परिजनों ने आज गंगा में विसर्जित की। दिवंगत नेता की अस्थियों का कलश लेकर उनकी पुत्री नमिता, दामाद रंजन भट्टाचार्य और नाती निहारिका हर की पौड़ी पर स्थित ब्रह्मकुंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां रविवार को हरिद्वार गंगा में विसर्जित कर दी गई। वाजपेयी जी की अस्थियां उनके परिवार ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में प्रवाहित की। इससे पहले सुबह दिल्ली से अस्थि कलश पहुंचने पर भल्ला कॉलेज ग्राउंड से हर की पौड़ी तक 2 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गीता में कहा है, नैनम छिंदंती सहस्राणी ननंद पावकार न चलम कलयदंत तापो न शोषति मारुत। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, ये तो केवल विराम है और अटल जी की विचारधारा चलती रहेगी, उसके लोग अनुगामी रहेंगे। और मैं उन व्यक्ति को, महामानव को नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी लड़की से मुखाग्नि करवाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे देश के अंदर समस्या है कि हम पुत्र से ही अपेक्षा करते हैं कि वह हमें मुखाग्नि देगा, पर अटल जी ने उस, मैं समझता हूं कि एक परंपरा को तोड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, पुत्री भी मुखाग्नि देगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप में लड़के लड़की बराबर हैं, आत्मा एक होती है, और आज एक नया भारत बनाने के लिए अटल जी ने नया एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे महामानव को हम नमन करते हैं। भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए देवभूमि हर की पौड़ी पर मंच भी तैयार किया गया था। अस्थियां विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और अटल जी के समर्थक मौजूद रहे। सच्चे अर्थों में तो अटल जी हिमालय के पुत्र थे और हिमालय की तरह उनका व्यक्तित्व था, हिमालय की तरह धवल, हिमालय की तरह आप बहुत अकलुषित और हिमालय की तरह कठोर मजबूत और सबको अपने में समाने की ताकत और क्षमता, इसलिए उनको हमेशा पूरी दुनिया ने आजाद शत्रु के नाम से उनको पुकारा है। और उनकी निधन के बाद पूरी दुनिया ने देख लिया कि सच में वो आजाद शत्रु थे। किसी पद पर बैठ करके पद को उन्होंने सुशोभित किया, पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने वाला हमारा अटल। इससे पहले अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। करीब 2 किलोमीटर की यात्रा हरिद्वार के भल्ला ग्राउंड से शुरू होकर हर की पौड़ी पर खत्म हुई। इस दौरान एक विशाल जनसैलाब यात्रा में शामिल हुआ। पूर्व पीएम वाजपेयी जी की अस्थियां देश भर की कई नदियों में विसर्जित की जाएंगी और इसकी शुरुआत हरिद्वार में गंगा नदी में उनकी अस्थियों के विसर्जन के साथ की गई। गौरतलब है कि हर किसी के चहेते पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का लंबी बीमारी के चलते एम्स में 16 अगस्त को शाम 5:05 पर निधन हो गया था, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।